बच्चे की एवरीडे परफॉर्मेंस कैसी है, बोलना नहीं ज्यादा उस बच्चे को, ज्यादा आप कहिए मत। देखिए सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि बच्चा स्कूल के साथ सिंक कर पाता है। पेरेंट्स से डेटा जरूर चाहिए कि पेरेंट्स ने पिछले 2 साल में क्या ऑब्जर्व किया। चाइल्ड इज गोइंग थ्रू द सेम टॉपिक्स बट ट्वाइस। सबसे जो जरूरी मेरे हिसाब से आज तक की जो मेरी फाइंडिंग है, दैट इज ओनली वन वर्ड विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर स्टूडेंट पेरेंट के साथ ओपन कम्युनिकेशन में है, 9 out of 10 प्रॉब्लम्स बाईपास हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बेनेट। और आज हमारे साथ हैं नीट फैकल्टीज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सेशन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे 2 ईयर नीट कोर्स के एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की और उनके फीचर्स की। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा प्रतीक सर आपसे। तो प्रतीक सर, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि क्या नीट कोचिंग के लिए 2 ईयर कोर्स सही रहेगा या फिर 1 साल भी स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं? आइडियली तो 2 ईयर का कोर्स करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चा उसको स्कूल के साथ में सिंक कर पाता है। राइट। 1 ईयर कोर्स भी जो है उसमें पूरा सिलेबस कवर होता है, तो 1 ईयर कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट डेफिनेटली 2 ईयर कोर्स इज अ बेटर ऑप्शन। ऑलराइट। तो सर इसके साथ मेरा एक लीडिंग क्वेश्चन रहेगा कि 2 ईयर जो एस्पिरेंट्स जो भी प्रेफर कर रहे हैं 2 ईयर कोर्स, तो क्या एडवांटेजेस हैं इस कोर्स के? देखिए सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि बच्चा स्कूल के साथ सिंक कर पाता है, कि right. जब स्कूल में बच्चा 11th में होता है तो कोचिंग में भी उसको 11th का कोर्स पढ़ाया जाता है। right. जब बच्चा 12th में आता है तो उसको 12th का कोर्स पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। बोर्ड पर भी वो फोकस कर पाता है, उसके साथ में बच्चे को प्रेशर और पैनिक थोड़ा कम होता है। right. जब 1 ईयर कोर्स बच्चा करता है तो उसको 1 साल में दोनों 11th और 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना होता है। okay. पर वो जब 2 ईयर कोर्स कर रहा है तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड होकर और चीजों को कर रहा है, ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ पाता है, टाइम right. ज्यादा मिलता है, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, तो डेफिनेटली एडवांटेजेस 2 ईयर कोर्स के ज्यादा होते हैं। ऑलराइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका मैम आपसे रहेगा। मैम जैसे हमने बात की 2 ईयर कोर्स की, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर शायद ज्यादा प्रेशर हो जाए, ज्यादा लोड हो जाए 2 ईयर कोर्स में? एक्चुअली मैम मुझे लगता है कि उल्टा होता है। ओके। सिंस वी हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ 9 ईयर, जैसे सर ने बोला कि हम लोग क्लास और स्कूल और यहाँ की कोचिंग को बैलेंस करते हैं, सेम सिलेबस चलता है, तो लोड जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो सिलेबस आपका स्कूल में चलेगा वो यहाँ पे कोचिंग में चलेगा। okay. तो अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू द सेम टॉपिक्स बट ट्वाइस, तो वो इजिली प्रैक्टिस और अच्छे से उसको रिविजन में आ जाता है, तो लोड okay. नहीं होता। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा उसको कैसे मैनेज कर रहा है, वो कैसे टेकअप कर रहा है उसके एक्सरसाइजेस को, उसके सोल्यूशन को, उसके रिविजन को। ऑलराइट। सो मैम क्या आप रेकमेंड करेंगे कि सभी बच्चों को 2 ईयर का कोर्स लेना चाहिए? मुझे लगता है कि 2 ईयर कोर्स इज मच मच बेनिफिशियल रादर देन हैविंग दी 1 ईयर कोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 ईयर कोर्स नहीं लेना चाहिए, 2 ईयर भी नहीं लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस बच्चा किस मेंटेलिटी और किस स्टेबिलिटी के साथ उस कोर्स को करना चाह रहा है। इफ एनी स्टूडेंट इज टेकिंग 2 ईयर कोर्स, तो वो ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए ज्यादा अच्छी रिविजन, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है और चांसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 ईयर कोर्स के साथ ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। ऑलराइट। मनु सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। तो लेट्स से कोई स्टूडेंट 2 ईयर कोर्स लेता है, तो क्या चांसेस है कि उसका नीट फिर क्रैक हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि 2 ईयर कोर्स का जो एडवांटेज है वो तो ये है कि जो आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मेन स्टेटस चल रहा है वो ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड एस्पिरेंट्स एवरी ईयर इन नीट, यू नो दे आर इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड। वो इस वजह से भी है कि नीट में बैकलॉग्स बढ़े हैं, यू नो अपर एज लिमिट है नहीं, तो कई बार लोग 2 ईयर 2 सेकेंड अटेम्प्ट हो रहे थे, कोई 3rd अटेम्प्ट दे रहा होता है। तो एज अ रिजल्ट हमने लास्ट स्टेटिस्टिक्स में भी देखा है कि अराउंड 21 लाख यू नो पीपल अपियर्ड यू नो फॉर इनफैक्ट रजिस्टर्ड फॉर नीट, यू नो अपियरेंस अराउंड 18.5 लाख की थी। जब इतनी ह्यूज पॉपुलेशन यू नो इज अपियरिंग फॉर दिस इनफैक्ट द लार्जेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, वी नीड टाइम फॉर इट्स प्रिपरेशन। राइट। ठीक है ना। तो 2 ईयर कोर्स का मतलब मेरा मानना यह है कि अगर तो वो पूरी शिद्दत से किया जाए, ढंग से किया जाए, विद पूर्ट कंप्लीट डिसिप्लिन किया जाए। उसके नीचे इफ एंड बट्स बहुत सारे होते हैं कि आप अपने नॉर्मल कोर्स में कितनी क्लासेस मिस कर रहे हो, उसको कितना लाइटली ले रहे हो, यू नो टेस्ट के लिए मतलब बैठ रहे हो कि टेस्ट से भाग रहे हो। right, तो बच्चों में ये भी होता है कि भाई टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो टेस्ट नहीं देते। तो ये छोटे छोटे डैमेजेस जो हैं ये 2 ईयर कोर्स को भी बेकार कर सकते हैं, यू नो वर्सेस कि कोई बच्चा 1 ईयर कोर्स में बैठा है लेकिन वो सारी चीजें बहुत डिसिप्लिन से कर रहा है, तो 1 ईयर कोर्स में भी वो कारगर हो जाएगा। सो बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस,
the chances of getting selected in a two-year course will definitely be better because you have a larger time period, larger window period, you know, for appearing for a big examination, जहाँ पर पहले ही आपके पास काफी सारे लोग हैं जो appear कर रहे हैं और फिर लोगों के पास कई कई सालों के पढ़ने के experiences भी हैं, तो इसी को हम शायद competition बोलते हैं, right? You know, and वो competition में मेरे हिसाब से the more the merrier, जितना समय आपको ज़्यादा मिल जाए, you know, पढ़ने के लिए उतना अच्छा है, right? So that's about it. All right. So I think यहाँ पे एक बहुत important चीज़ है कि आपका passion और आपकी dedication I think matter करती है सबसे ज़्यादा इस किसी भी preparation में. All right. And sir, मेरा next question आपसे रहेगा कि आजकल ऐसी सी understanding हो गई है, सबकी ऐसी सोच हो गई है कि 2 years में पहले वो school कर लो, उसके बाद drop करके हम NEET कर लेंगे. देखिए मैम, मैं इंटायरली तो नहीं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एक मिथ है, पर ये जो इसका आंसर होगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. देखिए कई बच्चे तो लोड ले पाते हैं, तो अगर तो किसी स्टूडेंट की लोड टेकिंग एबिलिटी है तो मैं ये कहूंगा कि 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करो, और जो थोड़ा बहुत लोड आता है या थोड़ा ज्यादा लोड आता है इनफैक्ट, उसको आप ले लो और उसको लेके चल लो, ठीक है ना. ये मान के चल लीजिए कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल, तो 2 साल के बाद आपको उसका फ्रूट मिल जाएगा, right. लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी लोड टेकिंग एबिलिटी उतनी नहीं होती, इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, सबका पेस अलग है. हर एक के अपने अपने टाइप्स होते हैं, यू नो, स्टूडेंट की वैरायटीज होती हैं. तो कई बार बच्चों में क्या होता है कि वो लोड नहीं ले पाते, तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल भी जाता है और कोचिंग भी जस्टिफाई नहीं हो पाती है ना. तो ऐसे में ये दिस वुड नॉट एक्चुअली बी अ बैड आइडिया कि 2 साल आप पहले कोचिंग अवॉइड कर लो, 2 साल आप स्कूल देख लो और उसके बाद फिर आप ड्रॉप करके दे लो. बट एक बात याद रखना, मतलब ये मेरा संबोधन उन बच्चों से भी है, यू नो, जो इस विचारधारा के हों, कि आप जब ड्रॉप कोर्स के लिए जाते हो तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपका एक अटेम्प्ट तो चला ही गया है ना. जो 12th के एंड में आपने प्रिपेयर तो किया नहीं है नीट के लिए, तो 12th के एंड में आप जो अटेम्प्ट दोगे भी उसका कुछ ज्यादा एडवांटेज तो होगा नहीं. तो लाइफ में ये होता है कि आप अपने जीवन में 1 साल लेट जरूर हो जाते हैं. तो समझ लो कि अगर आप कॉलेज में अपनी क्लास में बैठ रहे हो तो आप अपने से 1 साल जूनियर वाले बच्चों के साथ बैठ रहे हो. तो मैं तो नहीं कहता कि इट इज, यू नो, द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गॉट सिलेक्टेड, है ना. तो अगर ड्रॉप करने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हो तो नथिंग लाइक इट. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो डिसीजन है दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड by the parents, by the teachers and by the student as in a triangle, you know, जिसमें वो सारे आपस में बैठ के इस बात के एक अंतिम निष्कर्ष निकाल लें कि नहीं बेटा, तुम शायद 2 ईयर का लोड नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे में ड्रॉप करके ही करना सेंसिबल रहेगा. अगर ये यूनानिमस डिसीजन टीचर के भी एंडोर्समेंट हो इसमें, तो मुझे लगता है दिस विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन. तो दैट विल बी माई आंसर, कि ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट स्पेसिफिक रहेगा. ऑल राइट. आई थिंक सर, इससे ही रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अब जैसे आपने बोला कि सबका पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होता है, तो सबकी नीड्स भी डिफरेंट है. सो इसमें पेरेंट्स के लिए, मतलब उनको वो आइडेंटिफाई कर पाना कि अच्छा आप ड्रॉप करके करिए या आप साथ में कर सकते हैं 2 ईयर, मतलब आप उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आपके बच्चे की रोज़मर्रा का जीवन है, हर दिन का जीवन है, उसमें आप बस एक छोटा सा एनालिसिस करके देखो कि एक तो बच्चे के स्कूल एग्जाम्स जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके रिजल्ट्स क्या हैं, दूसरा उसके टीचर्स का फीडबैक क्या है, जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, तो पेरेंट जो है वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो टीचर्स उनको एक फीडबैक देते हैं कि नहीं ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है या बहुत डिलीजेंट है, या फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं इस बच्चे में तो अटेंशन डेफिसिट है, या वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या वो क्लास अटेंड नहीं करता, वो क्लास बंक मार लेता है, या वो बार बार भाग जाता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है. मुझे लगता है ये सारा डेटा जब हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इकट्ठा करते हैं तो पेरेंट्स को एक बहुत फेयर आइडिया लगता है, क्योंकि बच्चे के सबसे नज़दीक वही होते हैं, तो उनको एक डेली आइडिया लग जाता है कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है. क्या वो एक एवरेज कैटेगरी में है, यू नो, कि वो क्लासेस मिस नहीं करता, वो डिलीजेंट हो, पूरी कोशिश करता है, या फिर वो ऐसी कैटेगरी में कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, यू नो, वो ज़्यादा पढ़ने में उसका दिमाग नहीं है, या वो डिसइंटरेस्टेड है, या जो भी है. इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि वो बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है, उसे मोटिवेट किया जा सकता है. तो ये सब कुछ जो है, मेरे हिसाब से पेरेंट्स को मेरा मैसेज सिर्फ इतना रहेगा कि बच्चे को कुछ कहें ना, बच्चे बहुत सेंसिटिव और कोमल होते हैं, उनको आप कुछ भी कहेंगे तो बड़ा इंप्रेशन छूटता है उनके दिमाग पर आप अपनी जगह पर रह करके एक क्लोज ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें, यू नो, हर दिन की, कि बच्चे की एवरीडे परफॉर्मेंस कैसी है. बोलना नहीं ज़्यादा, उस बच्चे को ज़्यादा आप कहिए मत, उसको फिर हम
फिर उसी हिसाब से हम लोग खुद भी, मतलब हम सारे यू नो एज एक्सपीरियंस टीचर्स, हम उसी हिसाब से डील करते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग किस तरीके से की जाए कि बिना उसको कोई नुकसान पहुंचे वो अपने आप राइट ट्रैक पर पहुंच जाए या वो आ जाए। लेकिन इसके लिए हमें पेरेंट्स से डेटा जरूर चाहिए कि पेरेंट्स ने पिछले 2 साल में क्या ऑब्जर्व किया, उस बच्चे के एग्जाम टर्मिनल एग्जाम्स में परसेंटेजेस कितनी थी, स्कूल वालों के फीडबैक्स क्या थे, बच्चे का खुद का फीडबैक क्या है। एंड आल्सो डू यू थिंक पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस भी होना इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो आजकल के जमाने में ये एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है ना, बट एट द सेम टाइम सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है, राइट, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए। बिल्कुल, आपको जैसे ही एक बात का ये आइडिया लगता है कि मतलब मान लीजिए, फर्ज कीजिए मैं किसी एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि वो बच्चा क्लास प्रॉपरली नहीं कर रहा या आपको कोई डेफिसिट सा दिखाई दे रहा है यू नो उसके पढ़ने में या सब है, तो ऐसे में उसी समय बिना किसी विलंब के यू नो पेरेंट्स को किसी स्कूल सुपरवाइजर से या काउंसलर से या जो भी है उनसे संपर्क करके और बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले कि कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब प्रेशर नहीं है, और उसका एक साइडलाइन ट्रीटमेंट थोड़ा सा बच्चे को मेंटली देना चाहिए। बिल्कुल, सबसे जो जरूरी मेरे हिसाब से आज तक की जो मेरी फाइंडिंग है दैट इज ओनली वन वर्ड विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। राइट, अगर स्टूडेंट पेरेंट के साथ ओपन कम्युनिकेशन में है 9 out of 10 प्रॉब्लम्स बाईपास हो जाती है। बिल्कुल, अगर बच्चा बोलता है कि भाई मैं आज क्लास में गया और मेरे को टीचर ने डांट दिया, ठीक है ना, अगर ये चीज बच्चा आके अपने पेरेंट्स को ओपनली मतलब बता रहा है यू नो कन्वे कर रहा है कि भाई ऐसा हुआ, तो मेरे को लगता है द बैटल इज वन, आप वो जीत गए क्योंकि एज अ पेरेंट आप जीत गए उस चीज को। राइट, तो पेरेंट्स के लिए जरूरी क्या है कि वो जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको खत्म कर दो आप। राइट, बच्चे को ऐसे आप अपब्रिंग करो कि उसका आपके ऊपर एक फेथ आ जाए। इसमें 2 ईयर और 1 ईयर कोर्स की बात है तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है कि बच्चा माता पिता से बोले और उनके सामने मतलब इस बात को एक्सेप्ट करें कि मेरे साथ, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे बच्चा घर वापस आए स्कूल से आए कोचिंग से आए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माता पिता 5-10 मिनट निकाल के उससे जरूर पूछे बेटा आज दिन में क्या हुआ। बिल्कुल, वैसा एनवायरनमेंट देना जरूरी, और ये हर दिन होना चाहिए कि बेटा आज क्या हुआ, आज बताओ आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ, आज तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या हुआ या जो भी इंस्टीट्यूशन में आप कोचिंग में जाते हो आज वहां पे क्या हुआ, कैसी पढ़ाई हुई, सर से कोई बात हुई कुछ, तो अगर उसके साथ बैठ के थोड़ा इतनी सी भी बात हो जाए मुझे लगता है कि यू नो पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। बिल्कुल, उसके आगे फिर टीचर की ड्यूटी और बच्चे की ड्यूटी। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक मनु सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक सभी पेरेंट्स को इसको बहुत सीरियसली देखना चाहिए बिकॉज आपकी एक दिन की डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मनु सर ने बोला कि रोज आप ऑब्जर्व करें बच्चे को कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज़ में बच्चा अच्छा है, एंड देन आपकी वो फाइनल डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पर होनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव सर आपसे रहेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 2 ईयर कोर्स करने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स कर लेना चाहिए, आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे फाउंडेशन कोर्स इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आप 2 ईयर कोर्स के साथ भी वो कर सकते हो, बट द फाउंडेशन कोर्स की जो एडवांटेज है वो ये है कि जब बच्चा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करता है तो वो जो कोचिंग का पैटर्न है उसके साथ चलना सीख जाता है। राइट, वो जब नीट का 2 ईयर कोर्स करने जा रहा है तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम ही आती है कि जब वो कोचिंग में जाता है तो उसको तो एनवायरनमेंट में पहले ढलने में टाइम लगता है, उसके साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसको दिखता है, तो जब वो फाउंडेशन कोर्स करेगा तो उसको वो कंपटीशन के साथ फाइट करना आ जाएगा बेसिकली, तो ये बहुत सही रहेगा अगर फाउंडेशन कोर्स करता है। अगर नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बेनिफिट हो जाता है बच्चे के लिए कि स्टडी के अलावा उसको फाइट करना आ जाता है, आप रेडी हो जाते हो। हाँ, आप रेडी हो जाते हो। ओके, ऑलराइट सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो 2 ईयर कोर्स है उसे करने के क्या कोई डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेज एज बेसिकली कुछ है नहीं, बट देखा जाए तो बच्चे का जो पर्सनल लाइफ होती है वो थोड़ी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आफ्टर 10th बच्चा पूरी तरह से स्कूल और कोचिंग के बीच में ही उलझ जाता है, ठीक है, उसके लिए अपने लिए उसके पास अपने लिए कोई टाइम बचता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट 2 ईयर कोर्स की जो मेजर जो डिसएडवांटेज है जैसे कि मैम और सर ने भी बताया वो 1 ईयर कोर्स के कंपेटिबली कुछ भी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ईयर इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ
अगर वो बैलेंस कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहा तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए, बाकी टू ईयर कोर्स इज बेस्ट। ओके मनु सर, वुड यू लाइक टू ऐड टू इट कि जैसे गौरव सर ने कहा कि डिसएडवांटेज एक ये हो सकती है कि शायद बैलेंस करने में बच्चे को मुश्किल आए, तो कैसे आप बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो? देखिए, ये जो बैलेंस है ना, ये सबसे पहले तो इस चीज से स्टार्ट होता है कि आपके मन में अपने करियर को लेके और आने वाले फ्यूचर को लेकर के सीरियसनेस कितनी है। अगर तो मैं अपने प्रोफेशन को लेके, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट देना चाहता हूँ, अगर मैं उसको लेके बहुत पैशनेट हूँ तो होगा क्या कि जो स्ट्रेस होते हैं उनमें से काफ़ी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस मेल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका मन जुड़ता है, आपका अगर दिल उसमें जुड़ जाता है, इंटरेस्ट अलाइन्ड है वो, बिल्कुल, अगर आप उसके साथ में उसके इन लाइन चलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रेस तो आपका हट जाता है। तो ऐसे में तो टू ईयर कोर्स हो या वन ईयर कोर्स हो, इन आइदर ऑफ द केसेस बच्चा कर लेगा। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉर्मली बच्चे छोटी उम्र के हैं, इनकी अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, तो कई बच्चों के अंदर उतनी ज़्यादा जो तरलीनता होती है उसके साथ रिदम के अंदर फ्लो करने की और एक वो रिदम में वो कोर्स करने की, वो उतनी नहीं होती। डिसएडवांटेज तो सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हाई है, कि आपकी जो खेलना कूदना होता है ये सब होता है, ये काफ़ी, जैसा सर बोल ही रहे थे कि जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं बचता। बट इफ़ यू आस्क मी, आई विल पुट दिस इन वेरी शियर मैथमेटिकल इक्वेशंस, द टू ईयर, ऑल दो यू सैक्रीफाइस अ लॉट ऑफ योर एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशन, बट इट्स ऑल वर्थ इट, है ना? तो आई विल नॉट कॉल इट अ डिसएडवांटेज, इनफैक्ट आई विल कॉल इट अ टेम्पररी डिसएडवांटेज, कि हाँ कुछ समय तक आपके पास वो फ्रीडम ऑफ प्लेइंग फुटबॉल नहीं होगा, लेकिन हाँ मेडिकल कॉलेज में जाके आप फुटबॉल खेल सकते हो, तो मेडिकल कॉलेज में इनफैक्ट दे विल प्रमोट देयर स्टूडेंट्स टू प्ले मोर स्पोर्ट्स, ताकि, क्योंकि वहाँ सारे पढ़ते ही रहते हैं सारा टाइम, तो वो कहेंगे कि नहीं आप क्रिकेट खेलो या आप टेबल टेनिस खेलो या आप बाहर के कोई आउटडोर स्पोर्ट्स, एंड ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे वो भी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि सारा टाइम किताबों में मत बैठे रहो, थोड़ा सा खेलो, एंड कम आउट विद योर टैलेंट्स। जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर बनना चाहे उसका टेबल टेनिस में टैलेंट भी हो सकता है, तो बट हाँ इस 11th और 12th में उसको अपने ये टेबल टेनिस वाले टैलेंट को कुछ देर के लिए शट डाउन करना पड़ेगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन हमारे यहाँ पर इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर आप, मैं तो कहता हूँ बल्कि इनफैक्ट आई से कि आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स की रनिंग रोज किया करो या पार्क में जाया करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैलेंस करने में थोड़ा, बट हाँ करना चाहिए, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, सम फीलिंग ऑफ गुड वेलबींग आती है, लेकिन बट वो सब थेरेप्यूटिक है, राइट, इट्स नॉट अ मोर ऑफ रिक्रिएशन, इट इज मोर की हाँ पढ़ाई करनी है, मेरे को मेमोरी अच्छी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी चाहिए, तो यार मुझे फ्रेश माइंड चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी या मुझे थोड़ी रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों का दिमाग पूरा का पूरा, जो सिलेक्शन वाले होते हैं तो उनका दिमाग पूरा का पूरा उसके अंदर रमा हुआ होता है, वो उस रिदम में होते हैं, तो उस एनग्रॉस होने में अब आप ये कहो कि हाँ वो मूवी देखने या सिनेमा हॉल 2 साल तक नहीं गया, तो मेरा मानना यह है कि ज्यादातर बच्चे अपनी इच्छा से ही नहीं जाते, उनको लगता है कि मैं सिनेमा आके 3 घंटे वहां पे बर्बाद करूंगा, मैं 3 घंटे में एक फुल टेस्ट दे सकता हूँ, नीट का फुल टेस्ट दे सकता हूँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट बच्चों का ऐसा सोचना गलत नहीं है, पर ये मैं फिर बोलूंगा देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल, तो उसके 2 साल के बाद आप इस डिसएडवांटेज को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो, और अपने सारे विनर टैलेंट्स उनको उभार सकते हो वापस। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आप सभी को इस सेशन से कुछ इंसाइटफुल, कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली होंगी जो आप जानते जरूर हैं पर हम रियलाइज नहीं करते अपनी डेली लाइफ में। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो, और आपको ऐसे ही और डिस्कशंस अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर आप हमारी फैकल्टीज के साथ वो डिस्कशन देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।